आप लोग बताना कौन सी वाली ओढ़नी सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। क्या बताऊँ आप लोगों को, कब से कब मैंने 100 बार तो बाथरूम गई होगी। हेलो गाइस, तो ये देखो मैडिट्स एकदम न्यू लुक में आ गई है। ये लुक को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, क्या बोलते हैं बेबी? ओढ़नी, घाघरा ओढ़नी। तो ये मेरे ससुराल का ट्रेडिशनल ड्रेस है। और ये देखो मैं बैक कैमरा से भी आप लोग को दिखाती हूँ, ये मेरे मम्मी जी ने मुझे पहनाया। और भी मम्मी जी कुछ लेके आ रही है ऑर्नामेंट्स, ये देखो मम्मी जी पहना रही है। हाँ डाल दो डाल दो। अच्छा कैसे अंदर से? हाँ ये देखो अभी ओढ़नी डाल दो। तो दोनों मिलके मुझे सजा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखो मुझे ये चांदी का है पूरा, है ना मम्मी जी? हाँ पूरा चांदी का। तो ये भी, ये देखो ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये सिक्के भी सब चांदी के। ये भी चांदी के हैं। और ये जो सिक्के आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये सब चांदी के हैं और ये चांदी के ही पहनते हैं सब। और मुझे तो मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर। हाँ ये देखो दादी को देखो, दादी भी यही लुक में है, पर मैं पूरा ट्रेडिशनल लुक में आ चुकी हूँ। ये देखो मुझे बैक कैमरा से दिखाओ। ये देखो गाइस मुझे एकदम ट्रेडिशनल लुक में ऑर्नामेंट्स भी है मेरे, देखो 50 तोला। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने अपने सलवार सूट के ऊपर ही पहना है ये। हाँ। पर फिर भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। पर डांस करके दिखाओ क्या? हाँ डांस करके ऐसा। नहीं 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 डांस नहीं करोगी। हाँ वो निकाल दो, वो निकाल दो, ओढ़नी लेके आइए। देखो दूसरा वाला भी ट्राई करो। ये देखो गाइस ये थोड़ा हैवी है। ये जो भी आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये पूरा चांदी के है। इधर इधर देखो, ये देखो। हाँ धूप में बताओ, धूप में बताओ। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक है, और एक ट्राई करो। और एक भी है यार। अजय को, अजय को वो नहीं लाता। आप लोग बताना कौन सी वाली ओढ़नी सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी, ठीक है? ये देखो गाइस मेरा पूरा लुक। एक बार घूमो, थोड़ा पीछे जाओ। ये रियल रियल मम्मी जी बहुत कुछ ट्राई करवा रही है मेरे को। ये गुजराती मराठी लग रहा है ना? नहीं ये मारवाड़ी लग रही है। वाव, एक हाथ से पकड़ो। गाइस आप लोग बताना कि मैं कौन से ये सिंपल और बहुत क्यूट है, अच्छी लग रही हो आप लोग बताना, ठीक है? इससे फोटो ले लेता। घूम के दिखाओ। हाँ घूम लो ठीक है। हाँ सो गाइस हमें यहाँ पे आके 5 डेज हो गए हैं और आज हम जा रहे हैं 5 डेज बाद। और विद अ हैवी हार्ट, हमेशा ही ऐसा होता है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, इस बार भी अच्छा नहीं लग रहा है जाते टाइम। तुम बोलो कुछ। अभी हम जा रहे हैं। ओके गाइस, तो ये देखो हमारा बैग और एक बैग यहाँ पे है। तो हम लोग जा रहे हैं, फाइनली वी आर गोइंग। सो गाइस हम लोग घर से आ गए और बस में बैठे हैं, लग्जरी बस है। बस का एक टूर भी मैं आप लोग को देती हूँ, बहुत ही सुंदर बस है। पता नहीं आप लोग ऐसे बस में ट्रैवल किया है या नहीं, पर मैं, मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है। और ये
ट्रेन से भी ज्यादा मस्त लग रहा है मुझे, काफी कंफर्टेबल है, डबल बेड है बड़ा मस्त है। एक बार बस का टूर देख लो आप लोग। कैसा लगा बस बताना, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अभी मैं सोच रही हूँ कि हैदराबाद आऊँ तो ऐसे ही आऊँ, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, खिड़की से पूरा सब कुछ दिख भी रहा है। और जब मैं आ रही थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही थी मम्मी जी का फेस देख के, मम्मी जी की तबीयत भी ख़राब थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। आप लोग तो समझ ही सकते हो कि वो कितना इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि मैं फिर से बहुत दिन बाद उनसे मिलने वाली हूँ, तो बस आप लोग समझ जाओ कि मैं कितना ज़्यादा इमोशनल थी। तो अभी बस एक ढाबे में रुकी है और मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह खरीद लिया है। अभी खाते खाते नज़ारे का मज़ा लेते लेते जाऊँगी और सुबह मैं मुंबई पहुँच जाऊँगी। सो गाइस देखो मेरा भाई आ गया है लेने और हम लोग अभी घर पहुँचने वाले हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और बस में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। चलो ठीक है, वो अभी घर पे जाके ही ठीक हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग घर पे पहुंच ही गए। ये देखो मेरे को तबीयत बहुत आ रही है। अरे मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं थोड़ा सा सो गई थी। सोना तुमने मुझे याद ही नहीं किया था ना? गुस्सा 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 क्यों करो यार, तूने किया क्या? मुझे छोड़ के चली जाती है। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि मैं कल आई घर पे और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लूज मोशंस ही लूज मोशंस हो रहे हैं, मतलब इतनी कमजोरी आ गई ना, बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास बहुत ही कम जाती हूँ मैं, बहुत ही कम, पर अभी मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा कमजोर हो गई हूँ कि क्या बताऊँ आप लोगों को। कब से कम मैंने 100 बार तो बाथरूम गई होगी, ये हंसने वाली बात नहीं है, पर सीरियसली बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो अभी देखो डॉक्टर क्या बोलता है। अभी जस्ट घर पे आए, मैडी का तबीयत डाउन था तो हॉस्पिटल लेके गया था और डॉक्टर ने कुछ टैबलेट दिया तो अभी लेके रेस्ट कर रही है मैडी। हैदराबाद में हम लोग गए थे रिसेंटली तो वहाँ पे वेदर बहुत ही गर्म था, कल रात से उनको बहुत ज्यादा ही लूज मोशन हुआ था, तो आज मुझे छुट्टी भी लेना पड़ा उसकी वजह से। तो अभी रेस्ट कर रही है मैडी, नेक्स्ट वीडियो में मैडी आप लोगों को दिख जाएगी। और मुझे और एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, लास्ट वाला जो वीडियो था जो उसमें हमारा जो इंसिडेंट हुआ था फ्लाइट का, जो एयरपोर्ट में हमारा फ्लाइट मिस हो गया था, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने बैड बैड कमेंट्स किया था मैडी को। हम दोनों के रिलेशनशिप में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे और कमेंट्स में बहुत रूडली लोग बात कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी किसी के रिलेशनशिप में आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत मतलब उनको पर्सनली बहुत बुरा लगता है। तो ये कमेंट ऐसा था कि इन लोगों की शादी ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाली है, तो ये कमेंट देख के बहुत बुरा लगा मुझे पर्सनली। मैडी को तो कमेंट्स का कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका प्रोफेशन है और उनको ये सब चीजों का हैबिचुअल है, लेकिन जब मैं ये सब कमेंट्स जब देख रहा हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा इशू था, जो मतलब बेसिकली क्या है, मैं हाफ एन आवर लेट हो गया था फ्लाइट के लिए और मैडी ऑलरेडी वेट कर रही थी पहले से आधा घंटा पहले से, और मैं आधा घंटा पहले ऑफिस से आ भी सकता था और मुझे ये लगा कि मैं कैच कर लूंगा, मैं फ्लाइट टाइम पे पहुंच जाऊंगा और मैं टाइम पे चेक इन कर लूंगा, ये मेरा दिमाग में कहना ही चल रहा था। लेकिन जब मैं ऑफिस से स्टार्ट हुआ एयरपोर्ट के तरफ तो मुझे बीच में ऐसा सिचुएशन आया कि मैं ट्रैफिक में फंस गया, उसके वजह से हमारा फ्लाइट मिस हुआ था। और मैडी का जो रिएक्शन था वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि किसी को भी बुरा लगता है, अगर उनकी जगह पे अगर मैं रहता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और ऊपर से आपका फाइनेंशियली आपको लॉस हो रहा है, तो ये किसी को भी गुस्सा आता है, तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मैडी का पैसा जाता है तो मैडी इतना गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि वो पैसा मेरा ही गया है, तो उनका और डबल गुस्सा आ रहा था कि तुम्हारा पैसा गया है, और वो इसका डबल रिएक्ट कर रही थी। बेसिकली उनका गुस्सा जायज है क्योंकि मेरी मैडी बहुत ही प्यारी है
और उनका गुस्से में भी प्यार रहता है और वो जो गुस्सा था उनका जायज भी था। और आप लोग प्लीज ये सब चीजों को ज्यादा सीरियस मत लिया करो, क्योंकि दिन का जो 24 घंटा में क्या हम लोग कितने प्यार से रहते हो आप लोगों को दिखता नहीं है। एक सिचुएशन को लेकर आप लोग जज मत करो। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अभी तो मैडी का तबीयत काफी डाउन है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना गेट वेल सून। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था। मैडी जैसे बोलती है तब तक के लिए बाय।